एंड गाइस ये है चांदी का सिक्का। आई होप आप बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ मैं आपका देवभूमि उत्तराखंड से। और आज मैं अपनी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 8:30 बजे से। तो मेरा नाश्ता वगैरह हो चुका है और जो मेरा झाड़ू पोछा था वो तो दीदी ने कर लिया, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी हुई है। तो इस कारण से मतलब आजकल मैं काम भी नहीं, मतलब ज़्यादा काम नहीं कर रही, थोड़ा बहुत ही कर रही हूँ हल्का फुल्का। मतलब अब मेरे पैर का दर्द पहले से थोड़ा सही है, पहले तो काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन आजकल दवाई कंटिन्यू ही चल रही है मेरी, तो उस चक्कर से दर्द थोड़ा कम हो गया है। तो फाइनली गाइस हमारा के यहाँ पे, और यहाँ सामने देखो हमारी तोरी लगी हुई है। और मौसम की बात करें तो आज का मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना है, कड़ी धूप लगी हुई है। तो अभी आ रखी हूँ मैं अपनी गौशाला में, और ये हमारी गौशाला यहाँ पे, लेकिन गौशाला यहाँ पीछे। तो यहाँ पे हमने अभी मतलब भैंस वगैरह तो नहीं है हमारी, पहले रहती थी हमारी भैंस, तो अब हमने अपनी भैंस बेच दी है। फाइनली गाइस यहाँ देखो मिस्टी ने अपना टीका खुद ही लगाया। देखो यहाँ देखो मिस्टी देखो, अरे रोने लगी, क्यों रो रही? अरे नहीं नहीं ओ, अरे हमारी मिस्टी क्यों रो रही है, क्यों रो रही मिस्टी? बाबू मामू मामू, अच्छा मामू मामू, देखो यहाँ मिस्टी रो रही है। ये किसके है मिस्टी? और देखो गाइस मिस्टी के हाथ के चूड़ियां, लो। अच्छा नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए वो? अच्छा ठीक है, लेकिन इसमें अभी एक भी पपीता नहीं आ रखा है, तो मैं बताती हूँ है। और गाइस ये हमारा दूसरा बड़ा वाला पपीता का पेड़, और इसमें ना काफी सारे पपीते आए थे, लेकिन सारे पपीते मैं आपको दिखाती हूँ इधर गिर चुके हैं नीचे। यहाँ देखो इतने सारे पपीते हमारे, मतलब बारिश के चक्कर से हवा हुई और वो सारे गिर गए नीचे। यहाँ देखो सारे खराब हो चुके हैं, देखो कैसे हो रखे, बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं काफी सारे, और सारे ऐसे गिर गए नीचे झड़ के, तो खराब हो चुके हैं। और ये हमारी तोरी, यहाँ देखो कितनी बड़ी है, और ये तोरी ना काफी बड़ी हो गई थी, पुरानी हो गई थी, इस चक्कर से मतलब उसकी सब्जी तो बननी, सब्जी कैसे बनाते हैं हम, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और फिर पकते भी नहीं ना, प्रॉब्लम हो जाती, तो इसलिए क्योंकि पक्की होगी ना ये, इसलिए तो हमने ये इधर ही रखी है, इधर फेंक दी है नीचे। तो और अभी ना हमारे छोटे छोटे पपीते के पेड़ भी आ रहे हैं नीचे से। ये देखो जहाँ पे सिम्मू खड़ा हो रखा है ना, सिम्मू के जस्ट नीचे देखना, यहाँ पे 3 पपीते के पेड़ है हमारे, 2 तो छोटे छोटे हैं और एक बड़ा पेड़ है वहाँ पे, और एक ये भी है, ये सबसे बड़ा वाला पेड़ है हमारा पपीते का, आम का पेड़। और इसमें काफी सारे पपीते लगे थे, लेकिन आजकल झड़ झड़ गए हैं। और ये हमारा तो किस चीज का पेड़ है? आम का। और ये हमारा आम का पेड़। तो फाइनली गाइस आज हमें क्या मिला है, और सिमू के पास क्या है, तो हम आपको दिखा रहे हैं। सिमू क्या है आपके पास? तो गाइस ये देखो दिखा नहीं रहा है हमें, और हमें अचानक से मिला, और कहाँ से मिला तो बताएंगे आपको आगे वीडियो में, तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहे। सिल्वर बटन, सिल्वर बटन भाग गया वहां से, उल्टा करा वहां। तो गाइस हमें मिला हुआ है सिल्वर बटन, और ये सिल्वर बटन कहाँ से मिला, कौन लेके आया, तो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी ना आम नहीं आ रहा, क्योंकि आम का सीजन खत्म हो चुका है अभी, और बट अगर सीजन हो भी, आम का सीजन था भी जब आम का चल रहा था, तो तब भी हमारे इस वाले पेड़ में आम नहीं थे, क्योंकि अभी ये ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, छोटा ही है। तो जब हमारे मतलब पहले तो बड़ा था, हमने काटा था ये बीच में, उसके चक्कर से छोटा है। ये हमारा नींबू का पेड़, और इसमें बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं, और एक नींबू तो सिमून लेके भी आ गया तोड़ के, तो चलते हैं। और उधर ही ऊपर ना हमारे अरबी का पेड़ है, वहाँ पे हमने बहुत सारी अरबी का, अरबी के पेड़ लगा रखे हैं। और इधर हमारा एलोवेरा का पेड़ भी है यहाँ पे सामने, ये देखो हल्का हल्का दिख रहा होगा तो मैं। एंड फाइनली गाइस यहाँ पे दीदी जी कर रही है यहाँ पे सूट की कटिंग, तो अभी वो निशान लगा रहे हैं, उसके बाद जब निशान लगा लेंगे उसके बाद करेंगे वो सूट की कटिंग। देखो गाइस सिल्वर बटन, तो अभी आपको दिखाएंगे हम सिल्वर बटन, तो सिल्वर
सिल्वर तो है ये, चांदी का सिक्का। चांदी को तो सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर कॉइन। और ये देखो गाइस, सिल्वर बटन 50 रुपए का। देखो 50 घर जाएंगे इतना। तो गाइस सिल्वर बटन एंड गाइस ये है चांदी का सिक्का, और ये सिक्का मिला है मेरी जेठानी जी को, क्योंकि जहाँ पे वो जॉब करते हैं जिस कंपनी में, तो उस कंपनी से मिला है इन्हें ये चांदी का सिक्का। बहुत ज़्यादा प्यारा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा। 50 ग्राम का है ना? हाँ 50 ग्राम का है। नकली तो नहीं होता ना? सकली है। एंड गाइस ये हमारा चांदी का सिक्का सिल्वर बटन। कितना प्यारा लग रहा है ना, मुझे तो ये चांदी का सिक्का बहुत ज्यादा पसंद आया। काफी सारी धूल मिट्टी जम रखी है, तो फटाफट से साफ कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। आप वीडियो में बने रहना। तो ये देखो गाइस, फाइनली ये गमला टूट चुका है। और ये ना, जब मैं मिस्टर जी से फर्स्ट बार मिली थी ना, तो मैंने ये तब मिस्टर जी को गिफ्ट दिया था, लेकिन वैसे इसे काफ़ी साल हो गए, मतलब 2-2.5 साल हो गए, लेकिन ये अब ऐसे टूट गया है। लेकिन फिर भी मैं इसे अभी सही करूँगी, तो अभी तो मैं फिलहाल ऐसे ही रखती हूँ। देखो इसमें ना राधा कृष्ण जी है, देखो ये क्या सोच के दिया था, आप तो समझ ही गए होंगे। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जब मैंने एक बार में ही मेरी दुकान में ये पसंद आ गया था। तो ये फ्लावर तो मैंने मिस्टर जी के लिए ले लिया था गिफ्ट के तौर पे, तो मैंने मिस्टर जी को गिफ्ट दिया था। लेकिन अब तो ये टूट गया, बट मैं इसे फिर भी अभी नहीं फेंकूँगी, संभाल के ही रखूँगी, क्योंकि मुझे ये हमारी फर्स्ट टाइम मिला था, उस टाइम की निशानी है, मतलब हमारी यादें हैं जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब की। वैसे बोलते हैं ना कि टूटी हुई चीज़ें घर में नहीं रखनी चाहिए, वैसे मैं इसे फेंकने के लिए मतलब फेंक भी सकती थी, लेकिन मैं इसे फेंक नहीं सकती हूँ, क्योंकि इससे मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई है। तो इसलिए फटाफट से ये वाला पार्ट तो मैंने शार्प कर लिया है, तो फटाफट से इधर वाला भी कर लेती हूँ, जो ये वाला बचा हुआ है इसे भी साफ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारा सामान रखा हुआ अपना, तो इसे निकाल के फटाफट से। हेलो गाइस, मैं यहाँ का डॉन। ये देखो मेरी चाची की दादी की फोटो। ये मैंने सफाई कर ली है, और ये मेरा सरसों का तेल, कच्ची धनी का तेल है ये। तो मैं फटाफट से अपने सामान को अच्छे से सेट कर लेती हूँ, जो मैंने निकाला था सफाई से पहले, क्योंकि मेरी सफाई हो चुकी है। गाइस ये आई हमारे साथ मिस्टी, आ जाओ भाई। हेलो गाइस, आप चेन्नई का डॉन है। देखिए गाइस, ये हमारी चाची काम कर रही है, ये हमारा पंखा चल रहा है ऊपर। हेलो गाइस, हेलो। तो फाइनली गाइस मैंने ये अच्छे से साफ कर लिया है, ये आप देख सकते हो अच्छे से, और मैंने यहाँ पे अपना सामान भी अच्छे से सेट कर लिया है। हेलो गाइस, ये देखो मेरे पटाखे आ चुके हैं। अभी दीपावली का वे बताने जरा, नवंबर 11 से दीपावली है, छोटी दीपावली नवंबर 11 है। और गाइस देखो ये पटाखे अभी से जलाने लगे, ये देखो यार कितने सारे। और गाइस मुझे ना पटाखे जलाने में बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन सिमू को तो बिल्कुल नहीं लगता, समर्थ तो आराम से। देखो समर्थ ने पटाखे यहाँ फेंक दिए सोफे में और चल गया बाहर। मैं फटाफट से अपनी सफाई कर लेती हूँ तब तक। टेबल भी, और यह है मेरा डस्टिंग पाउडर, तो इसे यहाँ रख लेती हूँ।
दीवान भी लेना है। वासिम तो यहाँ आराम से सोगा। हेलो गाइस। मैं सो रहा हूँ। हेलो गाइस मैं सो रहा हूँ। 2 घंटे और रुकने हैं सीधा पटाखे चलाने हैं। कुछ अभी बज रही है। रात के 6। रात के 6। हमारी वीडियो को ऐसी सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए हमें। पूरे रूम की मैंने अच्छे से सफाई कर ली है।